खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और अपने इस खास प्रोग्राम में बात करूंगी कुंडा से छठी बार निर्दलीय विधायक राजा भैया को लेकर। आगामी 30 नवंबर को बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगाज करेंगे राजा भैया और इसके साथ ही वो कहीं ना कहीं इस आगाज से अपने विरोधियों को दिखाएंगे अपनी ताकत कि मुझसे बच के रहना, क्योंकि जिस तरह से राजा भैया की स्ट्रैटेजी की बात कही जा रही है, रणनीति की बात कही जा रही है, लगातार कहा जा रहा है कि उनका पूरा फोकस यह है कि 80 उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर अपने इतने महत्वपूर्ण प्रत्याशी उतार देना जिससे कहीं ना कहीं बाकी विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब मिल जाए। लेकिन मुश्किलात बहुत है, मुश्किलात है बीएसपी से, सपा से, कांग्रेस से और बीजेपी से। ऐसे में क्या राजा भैया का मकसद कामयाब हो पाएगा? क्या वो वाकई शिवपाल के नक्शे कदम पर चलेंगे? नक्शे कदम पर चलने का मतलब ये, क्या वो अब विधायकी से हटकर सांसद की तरफ रुख करेंगे और क्या वाकई वो अपनी सीट में बदलाव करेंगे? अभी तो फिलहाल कुंडा की जनता को उनको प्यार मिल रहा है, लेकिन क्या प्रतापगढ़ पर उनका निशाना होगा? प्रतापगढ़ सीट चुनेंगे जहां से फिलहाल अपना दल का वर्चस्व है, एमएलए और एमपी दोनों इस पार्टी के हैं। मेरे साथ मेरे एडिटोरियल हेड एडमिन अमन सर मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर ये बताइए कि राजा भैया का जो मकसद है पार्टी बनाने का, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या उन्हें अस्तित्व का डर लग रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक ठाकुर हैं और राजनाथ सिंह भी ठाकुर हैं, ऐसे में अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने नई पार्टी लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए 93 से लगातार कुंडा से वो चुनाव लड़ रहे हैं और हाल ही 25 साल पूरे की राजनीति के, तो लालसाओं की कमी नहीं होती इंसान में। देखिए कभी भी वो फूट सकती है। और अगर राजा भैया का पूरा बैकग्राउंड देखेंगे आप, पूरा राजनीतिक करियर देखेंगे, तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ा है उन्होंने। और ऐसा नहीं कि सरकार का हिस्सा नहीं बने हैं वो, सपा जो भाजपा की सरकार है उनकी भागीदारी भी रही है, मंत्री पद पर भी वो रहे हैं। लेकिन इतने सालों के बाद अचानक रुख करना कि मुझे अपनी पार्टी बनानी है, मुझे भी अपना एक दल बनाना है, उसकी मुझे कमान संभालनी है, ये थोड़ा सा अलग तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे गायत्री जी, तो आने वाले दिनों में सीधा सीधा लोकसभा चुनाव है, उससे पहले अगर पार्टी बन रही है, यानी कि 30 नवंबर के आसपास बताया जा रहा डेट की, उस दिन पार्टी का अनाउंसमेंट जो ऑफिशियल तरीके से वो होने वाला है, उसमें सारी चीजें आने वाली निकल कर आने वाली है। अब ऐसे में आपका निशाना है क्या, क्या लोकसभा चुनाव है या 2022 का विधानसभा चुनाव जो यूपी में होने वाला है वो है? यानी कि आप, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना और एक पूरे संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ना, यानी कि प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ने में बहुत अंतर है। क्या आपके दखल जो एक सीट के ऊपर है, क्या वो दखल पूरे जिले में आपका है? तो ये कई सारे सवाल हैं। आप खुद बता रहे हैं कि अपना दल का प्रत्याशी लगातार वहां से अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, ऐसे में क्या राजा भैया का भविष्य क्या है? क्या वो मतलब एक बड़े लेवल पर आना चाहते हैं? क्या यूपी के पूरे जो सियासी दल है उनमें घमासान करना चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ वोट काटने वाली राजनीति है? क्योंकि सवाल इस तरह के उठने शुरू हो गए जी, उठने शुरू हो गए हैं। और जैसा कि सर ने बोला, सर आपके सवाल है कि आपने ये बोला कि उनका मकसद 2022 से या 2019, लेकिन कहते हैं कि पहले टीजर दिखाते हैं, फिर ट्रेलर दिखाते हैं, फिर पूरी फिल्म दिखाते हैं। टीजर ट्रेलर से दर्शकों की प्रतिक्रिया मिल जाती है कि आखिर उन्हें कितना पसंद आ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव से वो रुख जान लेंगे यूपी की आवाम का कि 2022 में उन्हें क्या रणनीति अपनानी है? देखिए गायत्री जी, बहुत देखिए इसको आप दो तरह देखिए कि अगर राजा भैया को आप देख रहे हैं तो एक बाहुबली नेता के तौर पर देख रहे हैं कि एक पकड़ मजबूत है एक क्षेत्र के अंदर, लेकिन वो आज तक सीमित भी उसी क्षेत्र में रहे हैं। क्योंकि आपको अपने घर में शेर होना कहते भी हैं कि अपने घर में तो हर एक कोई शेर होता है, लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हैं, देखिए देश की राजनीति अलग किस्म की है, राज्य की राजनीति अलग किस्म की है, और विधानसभा सीट की राजनीति अलग किस्म की, यानी अलग अलग तरह की राजनीति है। जब आप क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं तो क्षेत्र के मुद्दे होते हैं, लेकिन आप संसद में के लिए आप सोचते हो जाऊं मैं संसद में बैठूं, जाकर सांसद बनूं मैं, तो उसके मुद्दे एकदम अलग किस्म के होते हैं। और ये मेरे ख्याल समझ में आ भी रहा हो राजा भैया, क्योंकि लगातार अगर उनको जनता, कुंडा की जनता उनको पसंद कर रही है, तो क्या प्रतापगढ़ की जनता उनको पसंद करती है? उनके लिए भी एक टेस्ट होगा अगर वो 2019 में फुल प्लेस आते हैं तो। यानी कि अभी सिर्फ राजनीति, पार्टी बन रही है, ये चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, क्या स्थिति हुई, किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, या मतलब मैं फिर वही कहूंगा, या ये सिर्फ दूसरे विरोधी दलों को डराने की एक तरकीब हो सकती है? क्योंकि अभी आपको पूरे का पूरा एक सेटअप तैयार करने में टाइम लगेगा, क्योंकि 2019 में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है जी, 3-4-5 महीने का वक्त है। ऐसे में क्या आपकी रणनीति तैयार है, क्या आपके लोग तैयार है, जमीनी स्तर पर क्या आपके कार्यकर्ता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत पहले से ये चीजें सामने निकल कर आ गई होती, लेकिन सडन लेकर इस तरह की चीज आ रही है, यानी कि विरोधी खेमे में कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ की राजनीति पैदा करने वाला हो सकता है, डर खौफ की राजनीति पैदा करने वाला हो सकता है राजा भैया का ये कदम। और ऐसे में अभी उनकी पार्टी को अगर मैं नौसिखिया पार्टी करार दूं तो कुछ भी गलत नहीं हो
होगा क्योंकि मजंदर पार्टी की कमी नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी हो या फिर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, उनके बीच में अपनी पार्टी का रसूख कैसे वो बना सकते हैं ये उनके लिए सबसे बड़ा टास्क है। शिवपाल भी नई पार्टी बना चुके हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया, पूरी उम्मीद है शिवपाल को कि राजा भैया का वो दामन थाम सकते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा सकते हैं या उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। खैर सर आपसे एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि राजा भैया ने पार्टी बनाने से पहले अपनी सारी चीजों को तय कर दिया है, 80 सीटों पर कौन सा प्रत्याशी कहां से उतरेगा, किसको किसके खिलाफ उतारा जाएगा, सब कुछ तय है। और जो उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं वो है एमएलसी कुमार अक्षय प्रताप सिंह, जो कि पूरा सब कुछ उनका मीडिया से लेकर पीआर और सब कुछ देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि 80 सीटों पर पहले से रणनीति तय है तो राजा भैया को ये पता है कि कहां पर कौन सा दांव खेलना है? देखिए गायत्री जी कहना बड़ा आसान होता है, देखिए राजनीति के बारे में आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि सिर्फ कह देना बस काफी नहीं है, आपको जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ता तैयार करने पड़ते हैं। अगर हम जमीनी स्तर पर चीजों को तैयार करते हैं तो हम ऊपरी सतह पर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता हो तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अगर आप सिर्फ एक सीट की बात करें, आप सिर्फ प्रतापगढ़ की बात करें तो पूरा प्रदेश प्रतापगढ़ नहीं है। आप ये सोचिए 80 सीट की आप जिक्र कर रहे हैं कि 80 सीट पे वो लोग सब तैयार हैं, तो आपके वो लोग कौन है, क्या वो ऊपर से तो उतर के आएंगे रसूख वाले लोग, क्या वो जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, इस दल के लोग उस दल में आएंगे, इस दल के लोग उस दल, यानी कि अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ मैं फिर वही कहूंगा कि राजा भैया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अब तक एक बहुत सीमित राजनीति की उन्होंने, और वो सीमित राजनीति भी इसलिए है कि उनका पूरा होल्ड है वहां पर और एक बड़े बाहुबली नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए 6-7 बार लगातार वहां चुनाव जीत चुके हैं। तो ये एक दर्शाता है कि हाँ एक देखिए महत्वाकांक्षाएं हर जगह होती गायत्री जी, और राजा भैया में वो महत्वाकांक्षा नजर आ रही है कि 25 साल हो गए उनको पॉलिटिकल करियर में आते हुए लगातार जीतते हुए, तो जरूर होगा कि उनके आसपास लोगों ने जरूर सुझाव दिया होगा कि भाई आप भी अपना दल बनाइए, आप भी कोई महत्वाकांक्षा पालिए कि आप भी कोई सीएम पद के लिए जाइए, आप भी कोई मतलब बड़ी राजनीति की तरफ रुख करिए, तो ये एक वो महत्वाकांक्षा भी हो सकती है। लेकिन हाँ ये मैं फिर कहूंगा कि आपको क्लियर करना पड़ेगा कि 2019 के चुनाव के लिए आप जा रहे हैं या बाद में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है यूपी का उसके लिए आप तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने में बहुत कुछ तैयार नहीं होने वाला है। जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी अपना पूरा दमखम से वापस आ रही है, साथ में सपा बसपा है, तो यानी इतना इजी टास्क ये नजर नहीं आ रहा गए थे जितना दिखाने की कोशिश की जा रही है। बाकी दिखाने की कोशिश की जा रही है और जाहिर सी बात है किसी को नुकसान हो ना हो, लेकिन सपा को बहुत भारी भरकम नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही है, होता या नहीं होता ये नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सर क्या लगता है, जिस तरह से कुंडा में कहा जाता है कि ऑन कैमरा वहां की जनता कभी भी राजा भैया के खिलाफ बोलने से हिचकती, हो सकता है डर हो सकता है या खौफ हो सकता है जो भी, क्योंकि बाहुबली है वो, लेकिन अगर वो सीट तब्दील करते हैं, देखिए एक जैसे आपने खुद कहा एक गढ़ का शेयर होना और पूरे सूबे का शेयर होना में जमीन आसमान का अंतर है, अगर वो रुख करते हैं प्रतापगढ़ की तरफ तो क्या लगता है जो कुंडा की जनता से उन्हें प्यार मिलना वही प्रतापगढ़ की जनता से प्यार मिलेगा? देखिए वही मैं कह रहा हूँ गायत्री जी, सिर्फ कुंडा को आप पूरे जिले के तौर पर नहीं देख सकते या पूरे राज्य के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम पार्टियों की बात करें तो सिर्फ राजा भैया ही तो नहीं है, क्योंकि वहां पर बसपा भी लड़ेगी, वहां पर सपा भी लड़ेगी, वहां पर कांग्रेस भी आएगी, बीजेपी भी आएगी और भी कुछ निर्दलीय लड़ेंगे, यानी कि आप सिर्फ अकेले नहीं हो। और ऐसे में सिर्फ अगर पूरे आप जिले को जिले की बात कर लेते हैं, फिलहाल तो उन्हीं की बात कर लेते हैं, अगर प्रतापगढ़ से लड़ते हैं तो क्या वो दखल आपका पूरे जिले में है, क्या वो जनता आप पर बिलीव करेगी, क्या जनता आपको आपकी सीट वहां से निकाल पाएंगे? और आप 80 सीटों की बात करें, अगर लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम लोग बात करें तो वो लोग कौन है जो 80 प्रत्याशी आपके निकल कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी इन चार पार्टी की मुख्य बात करें तो जमीनी स्तर पर इनके कार्यकर्ता हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के साथ संपर्क में, ऐसे में आप 4-5 महीने पहले निकल कर आते हो और बताते हो कि हमारे 80 सीटों के लिए प्रत्याशी तैयार है, तो मेरे ख्याल से ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आपने पिटारा से निकाले घुमाई और 80 लोगों को आ गए, क्योंकि आपको वो लोग चाहिए जो आपको जीत भी दिला सके। सिर्फ खड़ा करना भर आपका मकसद नहीं है गायत्री जी, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, पॉलिटिकल आपकी महत्वाकांक्षा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको समय भी चाहिए। और वाकई दर्शकों में आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि संगम लाल गुप्ता जो हैं वो एमएलए हैं प्रतापगढ़ से, और प्रतापगढ़ के जो एमपी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम है कुमार हरिवंश सिंह, यानी ये भी राजपूत और राजा भैया भी राजपूत। तो ऐसे में क्या हो, क्या सर हम ये कयास मान ले कि अगर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ते तो ठाकुर वर्सेज ठाकुर, तो किसकी तरफ जाएगा ठाकुर? वही बात ना गायत्री जी, देखिए हम बहुत सीमित उसमें सोच रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक क्षेत्र विशेष से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब आप वहां से बाहर निकलते हो तो एक मैं वही कहूंगा कि अलग तरह के राजनीतिक माहौल हो जाते हैं, अलग तरह के राजनीतिक मुद्दे हो जाते हैं, एक अलग तरह की जो परेशानी लोगों की वो सामने आ जाती है, यानी कि आप पूरे जिले की बात करते हैं, वहां पर आप क्षेत्र की बात नहीं करते। ऐसे में जनता को विश्वास दिलाना
और वो भी अपनी सीट से, बाकी सीट तो आप छोड़ दीजिए। तो ये एक कोई आसान टास्क नहीं है। अगर शिवपाल जी ने अपनी पार्टी बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा भैया पार्टी बनाकर चुनाव लड़ जाएंगे और जीत जाएंगे, लेकिन इसके बहुत अलग अलग सियासी मायने हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर आखिर में ये आपसे बात जरूर कहूंगा इतनी जी कि ये अगर उनकी महत्वाकांक्षा राजनीति में ऊपर जाने की है तो अच्छी है, लेकिन अगर ये वोट काटने वाली राजनीति है तो इससे कई पार्टियों को नुकसान मेरे ख्याल से नुकसान हो सकता है। सर, जाते जाते एक सवाल आपसे ये है कि राजा भैया को बहुत अच्छे से पता है कि कुंडा की जनता को उन्हें बेतहा प्यार मिल रहा है बीते कई सालों से, पिछली छठी बार वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वहां से। लेकिन अगर प्रतापगढ़ की तरफ रुख करते, अगर मान लीजिए और नहीं भी करते हैं, तो उनको क्या इस बात का पूरा कहीं ना कहीं पूरे संकेत तो होंगे कि जो कुंडा में राज है वो तो प्रतापगढ़ में है नहीं का, तो ऐसे में वो शायद इस डर के मारे चुनाव ही ना लड़ने के साथ। बहुत सारी बातें कहते हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी कोई चीज खुलकर सामने नहीं, कयासों का दौर चल रहा है अभी, क्या वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या उनकी राजनीतिक पार्टी 2019 के चुनाव में जाएगी या नहीं जाएगी, यानी अभी बहुत सारे सवालों का दौर है। लेकिन अगर हम पार्टी बन रही है उनकी उसको देखें तो यानी कि राजा भैया के अंदर अब महत्वाकांक्षाएं पल रही हैं, वो भी सूबे के किसी अहम पद पर बैठना चाहते हैं, अपने लोगों के साथ में बैठना चाहते हैं, तो ये जो चीजें कहीं ना कहीं ये उनको जरूर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं है। महत्वाकांक्षाएं पल रही है लेकिन SC ST एक्ट का विरोध और खुद को बतौर सिर्फ राजपूत नेता के तौर पर सवर्णों के लिए दिखाना वो उनके लिए भारी पड़ सकता है सर, क्योंकि सबका सर कहते हैं सर्जन हिताय और सर्जन सिखाए, तो ऐसे नहीं है कि अगर कुंडा में उनको ठाकुर ही वोट करते हैं, उनको बाकी जातियों के वोट करते हैं, जिस तरह से दलितों के खिलाफ बातें बोल रहे हैं तो उसका सीधा फायदा मायावती को मिलेगा। बिल्कुल, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं कहते जी, अभी क्योंकि अगर आप एक सीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ कुंडा की बात हो रही है, अगर पूरे राज्यनगर की बात कर रहे हैं तो ऐसे में आपको कितने लोग बाहर जानते हैं राजनीतिक तौर पर, मैं कह रहा हूँ आपका आपका क्या दखल है पूरे राज्य के अंदर, किस तरह की आपकी अब तक पहचान रही है पूरे राज्य में, बनानी पड़ेगी। मायावती को पूरा राज्य जानता है क्योंकि वो जगह जगह चुनाव में गई है, राजा भैया कितने लोग जानते हैं, दलित नेता है, उनकी पहचान है, छवि है उनकी, तो ये कई सारे सवाल है जो राजा भैया को जरूर फेस करने पड़ेंगे। ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि क्या वो 2019 चुनाव लड़ते हैं या सिर्फ ये एक राजनीतिक शिगुफा बनकर रह जाता है, वाकई सियासी शिगुफा बनकर रह जाता है, या फिर राजा भैया अगले साल हमें विधायक के बाद एक सांसद के तौर पर नजर आएंगे। वैसे सवाल अनगिनत है, उनकी पार्टी अभी 30 नवंबर को आगाज करेंगे वो लखनऊ में, और स्पेशल ट्रेन बुक कराई गई है प्रतापगढ़ से लखनऊ के लिए, जहां पर उनके कार्यकर्ता भर भर कर लखनऊ आएंगे। ऐसे में पूरा फोकस तो राजा भैया का कि जड़े हिला देंगे वो विरोधी पार्टियों की, लेकिन जड़े उन विरोधियों की हिलती है या अगले साल उनकी खुद की पार्टी हिल जाती है ये कहना अभी नामुमकिन है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर कुंडा की जनता हो या फिर उनके चाहने वाले हो या फिर विरोधियों का विरोधियों की नजरें, सबकी नजरें ये हैं कि क्या वाकई राजा भैया अगले साल बतौर सांसद चुनाव लड़ेंगे। दर्शकों, आप जाते जाते हमें बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए आपको क्या लगता है कि राजा भैया अगले साल खुद को बतौर सांसद उतार सकते हैं प्रतापगढ़ से, या फिर वो अपनी सीट में तब्दीली कर सकते हैं, या फिर उन्हें पता है कि कुंडा के शेर है वो प्रतापगढ़ के नहीं, तो ऐसे में इस डर की वजह से शायद वो अभी फिलहाल इस फैसले को लेने से पीछे हटे रहें, और शायद 80 सीटों पर जो उन्होंने दाव खेला है उसमें वो कितने सफल होते हैं ये भी बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए कि आपको क्या लगता है कि वो शिवपाल का दामन थामेंगे। नमस्कार।